कुछ नगर निगम सोनीपत के अधिकारी सम्मिलित थे, जिसमें मुकदमा दर्ज की तफ्तीश की जा रही थी एसीपी एनआईटी श्री विष्णु प्रसाद द्वारा। तफ्तीश में जो दलाल है रामवीर, उसको गिरफ्तार किया गया और दौरान तफ्तीश से जांच में पाया गया कि तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह की भी संलिप्तता पाई गई। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। सोनीपत नगर निगम कमिश्नर आईएएस ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से पानीपत नगर निगम के अफसरों की धड़कनें तेज हो गई हैं। 8 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक धर्मेंद्र पर पानीपत निगम कमिश्नर की अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। इन 27 दिनों के दौरान 10 करोड़ रुपए से अधिक के बिल पास किए गए, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मेंद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान पास किए गए सभी बिलों की जांच शुरू कर दी गई है। पानीपत निगम से रिकॉर्ड भी मंगाए जा सकते हैं। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी से पानीपत नगर निगम में भी हलचल है। धर्मेंद्र सिंह 20 मई 2020 से 5 जून 2021 तक पानीपत के डीसी रहे थे। ये पिछले साल जून माह में थाना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया था दिल्ली निवासी ललित की शिकायत पर, जिसमें रिश्वत का मामला था सरकारी अधिकारियों द्वारा, जिसमें एक दलाल रामवीर के माध्यम से रिश्वत ली गई थी, जिसमें कुछ नगर निगम सोनीपत के अधिकारी सम्मिलित थे, जिसमें मुकदमा दर्ज की तफ्तीश की जा रही थी एसीपी एनआईटी श्री विष्णु प्रसाद द्वारा। तफ्तीश में जो दलाल है रामवीर, उसको गिरफ्तार किया गया और दौरान तफ्तीश से जाँच में पाया गया कि तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह की भी सम्मिलित्ता पाई गई। तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर सोनीपत, सोनीपत में एक प्रोजेक्ट था 52 करोड़ का, जिसको बढ़ाकर 87 करोड़ का कर दिया गया था, और इसके एवज में ठेकेदार के फेवर में अनुचित तरीके से नियमों को ताक पर रखकर उसको लाभ दिया गया था। तो इसी के बदले में इन जो भी अधिकारी शामिल थे 3-4 लोग जो भी थे, उन्होंने रिश्वत ली थी, जिन्होंने आपस में रिश्वत का पैसे को बांटा है। 1 करोड़ 10 लाख के करीब जो रिश्वत की राशि थी, तो इसमें मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही थी। ऐसा देखे का नाम सामने आया तो इसमें जांच का दायरा बढ़ाया गया और उनको भी कल गुड़गांव से उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। आज उनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड मांगा गया है। अभी तो पुलिस रिमांड मिल जाएगा ऐसी उम्मीद है। पुलिस रिमांड के बाद उनसे आगे पूछताछ की जाएगी, और जो नगर निगम सोनीपत के जो अधिकारी थे जो रिश्वत लेने में सम्मिलित थे और एक रिपोर्ट तैयार करने में, जो एस्टिमेट को 52 करोड़ से 87 करोड़ में करने में जिनकी सम्मिलित्ता पाई जाएगी, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि और कौन कोई प्राइवेट आदमी कौन थे। जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, जो और जो अधिकारी सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी जो रिश्वत लेने में शामिल है, और इसके अलावा जो भी इसमें जाँच में जो सामने आएगा उनको गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड के बाद किसकी क्या संलिप्तता पाई गई है, वो उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। बिना काम के ही करोड़ों के बिल पास कराने की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। पिछले साल पानीपत में भी सीएम फ्लाइंग ने 72 टेंडरों की जांच की थी, जिसमें कुछ काम तो मौके पर ही मिले ही नहीं थे, लेकिन पेमेंट कर दी गई। वहीं कुछ कामों को शुरू किए बिना ही इन्हांसमेंट करने के साथ ही दूसरी जगह दूसरा काम कराने का तर्क भी दिया गया था। एंटी करप्शन की जाँच अगर यहाँ तक पहुँची तो बहुत से अफसरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि 1 करोड़ की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए 2012 बैच के आईएएस धर्मेंद्र सिंह को लेकर सोनीपत में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लटके नगर निगम भवन का मुद्दा फिर उठने लगा है। नगर निगम में कमिश्नर रहे धर्मेंद्र सिंह पर आरोप है कि सेक्टर 3 में बन रहे नगर निगम के भवन निर्माण के लिए टेंडर राशि को 57 करोड़ से करीब 87 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया था। इसकी विजिलेंस जांच कर रही है। आरोप है कि टेंडर की राशि को गलत तरीके से बढ़ाया गया है। वहीं रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार आईएएस धर्मेंद्र सिंह को फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित जेएमआईसी अनुराधा की अदालत में
पेश किया गया। उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रिकवरी करेगी। बताया जा रहा है कि सोनीपत में आईएएस धर्मेंद्र के कमिश्नर रहते निगम भवन की टेंडर राशि 58 से 88 करोड़ पहुंचाई गई। इसके अलावा पानीपत नगर निगम में भी उनके रहते 10 करोड़ के बिल पास हुए हैं। फिलहाल आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इस खबर को लेकर जो कुछ भी अपडेट आएगी उसे हम आपको वॉइस ऑफ पानीपत पर सबसे पहले दिखाएंगे। तो अपील यही रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।